आप नाजरीन, इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बल्दियाती इंतखाबात का जोर शोर चल रहा है। तो गुज़िश्ता दिनों ये बल्दियात इंतखाबात होने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टाल दिए गए। तकरीबन 2-2.5 साल के बाद ये हो रहे हैं। अपनी मुद्दत से 2-2.5 साल के बाद ये इंतखाबात का ऐलान हुआ है। लेकिन इस मरतबा इंतखाबात में ये देखने को मिल रहा है कि आम तौर पर एक तो उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हैं, लोग अपना कमाई का जरिया कहिए या बिजनेस कहिए, जिस एतबार से पहले सियासत को जिस एतबार से समझा जाता था, जिस एतबार से लोग सियासत में आते थे कौम की खिदमत के लिए, अब ये नज़रिया काफ़ी दूर होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अब इस वक्त लोग इतने सियासत में आने के लिए उतावले हो जाते हैं कि उन्हें एक बिजनेस दिखाई देता है। तो आज के वक्त में ये बिजनेस के तौर पर लोग सियासत में आ रहे हैं। इस मरतबा ख़ासतौर से ये भी देखने में आ रहा है कि उलमा किराम बड़ी तादाद में सियासी मैदान में आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उलमा किराम को भी सियासत में आना चाहिए ताकि वो कौम मिल्लत के लिए और समाज के लिए एक बेहतर रहबर साबित हो सके, लोगों को सही राह दिखा सके। जिस तरीके से वह मजहबी तौर पर लोगों को राह रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, उसी एतबार से ये सियासत में आकर भी मुल्क के लोगों को एक फलाह बहबूद के लिए रागिब करेंगे, उनके लिए जो ज़रूरी काम होंगे वो ये अंजाम देंगे और मशाले राह बनेंगे। इसी सिलसिले में राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 41 से MIM से उम्मीदवार मुफ्ती अताउर रहमान से हम बात करेंगे कि आइए आखिर आलिम दीन होकर उन्होंने सियासत को क्यों चुना और उनके अजायम क्या है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हम आपका उर्दू न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल करते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि आखिर क्या वजह है कि ये मजहबी रहनुमा भी अब जो है सियासत में बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सियासत सिखाई। हमारे खुलफाए राशिदीन ने खिलाफत के ज़माने में जो दौर था, वो दौर जो उन्होंने करके दिखाया, वो असल सियासत वो है, यानी इस्लामी सियासत जिसे कहा जाता है, जिसमें हर शख्स पर पूरी पूरी नज़र रखी जाती है, यानी हर शख्स की पूरी पूरी ज़रूरत ज़रूरियात पर और उनकी हर परेशानी को सामने रखा जाता है। और MIM से जो आमतौर पर लोगों के जहन में ये है कि ये BJP की बी टीम है, आमतौर पर BJP को आजकल कुछ लोग बड़ा दर्जा देते हैं तो वहीं कुछ लोग उसको हेड समझते हैं, तो इस एतबार से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि MIM जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो ख़ासतौर से मुस्लिम नाम होने की वजह से उसे एक मखसूस तबका का ही रहनुमाई मानी जाती है। इसमें जबकि आप जिस वार्ड में खड़े हैं मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, दूसरे तबकात भी हैं, इसमें वो लोग आपको किस तरह से अपनाएंगे या आप उनको किस तरह से राजी कर सकेंगे? देखिए, इसमें आपने दो बातें पूछी। एक तो आपने ये बात कही कि भाई MIM जो है वो BJP की दूसरी टीम है, बी टीम है। ये जो बात आपने पूछी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये असल में एक खास पार्टी के लोगों की तरफ से इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और जो करीब आने वाले लोग हैं, जो करीब से देखते हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम लगाना ये गलत किस्म की बात है। ऐसी कौन सी चीज़ वो देख रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कह रहे हैं, ये गलत किस्म की बात है और गलत इल्ज़ाम है। खुद इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को कहा कि ये सब गलत किस्म की इल्ज़ाम वाली बातें हैं। बल्कि एक मौलाना है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, नहीं मालूम मुझे उनका नाम, लेकिन उन्होंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो मैं पॉइंट आपको कोट कराना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको ऑफर देता हूँ कि वो मेरे साथ अल्लाह के रसूल, सबसे प्यारे रसूल और हम सब के रसूल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर मेरे साथ चले। मैं खुद खर्चा दूंगा उन लोगों को, मैं खुद खर्चा दूंगा और मैं अल्लाह के रसूल के हुजूर में हाज़िरी देकर गवाह और वहाँ पर कहूँगा
अपने ऊपर लानत करूंगा कि अगर मैं बीजेपी की बेटी हूँ, बेटी अगर बीजेपी के लिए मैं काम करता हूँ तो मेरे ऊपर लानत हो, और बहुत सारी उन्होंने इस किस्म की बातें कही। तो बहरहाल ये गलत किस्म का इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त जो है आप जिस वार्ड से खड़े हैं, यहाँ तकरीबन 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और सबके अपने अपने मौक़ुफ़ हैं। वो अब आपका अपना स्लोगन क्या है लोगों के दरमियान जाने का, और लोग आपको क्यों चुने, इस बात की थोड़ी वजाहत करें। देखिए, आपने अभी तक कांग्रेस को भी देख लिया, पूरी ज़िंदगी से आप कांग्रेस को देखते आ रहे थे, बीजेपी को भी देख लिया, दोनों पार्टियां आपके सामने आ चुकी हैं। पार्टियां या सियासी उम्मीदवार जो भी मैदान में उतरते हैं वो सब वादा करते हैं, लेकिन आमतौर अभी तक तो यही देखा गया है कि सियासी वोट के वक्त में, वोटिंग के दौरान में या तशहरी वक्त में सब वादे करते हैं और घर घर जाते हैं, अपने वोटरों से मिलते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि इलेक्शन के बाद, जीत हो या हार उसके बाद लोग रब्ता छोड़ देते हैं उम्मीदवार वोटरों से, जिसमें उम्मीदवार वोटर जो है मायूस हो जाते हैं कि वो जिसको उन्होंने जिताया था आए मौके पर उनके गम में, दुख में, या कोई सामाजिक काम हो या कोई रोड का काम हो, इलाकाई काम हो, कम्युनिटी हाल का मसला हो, या लोगों की कुछ जो परेशानियां होती हैं आमतौर पर मोहल्ले में, वार्ड में, उस परेशानियों को काउंसलर किस एतबार से दुरुस्त करता है, इस तरह से रब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो आपसे लोग किस तरह से रब्ता रखेंगे, या आप किस चीज़ को लेकर उनके दरमियान में जाएंगे, उनको यकीन कैसे दिलाएंगे कि वो आपको वोट करें। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं और भी जगहों पर मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको भी ये कह रहा हूँ कि मैं इस मसले में ख़ास तौर से अपना नंबर हर घर में पहुँचाऊँगा। डायरेक्ट कोई भी शख्स परेशान है, कोई भी परेशानी है, वो डायरेक्ट मुझसे बात करें, मैं उसमें ये नहीं करूँगा कि भाई आप कल आइए, परसों आइए, 8 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, परेशान हुई है, नहीं। आप जाने कोई भी परेशानी है, हर घर में हर फर्द के पास मेरा नंबर डायरेक्ट होगा, और वो खुद डायरेक्ट मेरी जैसे दौरे खिलाफत में हुआ करता था कि कोई भी शख्स परेशान होता था और उस परेशानी को वो अपने खलीफा के सामने रखता था और वो खलीफा उस परेशानी का सोल्यूशन निकालता था। तो ऐसे ही मैं भी इस वार्ड को मिसाल बनाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो कोई भी शख्स हो वो परेशान ना हो, किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं, आप अपनी परेशानी को मेरे सामने डायरेक्ट रखिए, इंशाल्लाह जो भी होगी मैं। और फिर एक और चीज़ कि हम कोई भी काम जो है थोपना नहीं चाहते, नगर निगम आप पर थोपेगी नहीं कि यही काम होगा, बल्कि आपसे मशवरा करके आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वही काम होगा, ये नहीं होगा कि आप पर थोप दिया जाए कि नहीं यही काम होना है। ये इस वक्त आमतौर पर ये देखने में आता है अकलियती अक्सरियती इलाका जहाँ जहाँ भी है वो गंदगी का भरमार है, उसके लिए आपके पास क्या सलूशन है। देखिए, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अत्तहूरु शतरुल ईमान, अत्तहूरु निसफुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। उलमा किराम जो इस वक्त सियासत में आ रहे हैं, इसमें आपका क्या नजरिया है अपना, और लोगों के लिए क्या पैगाम है। देखिए, गंदी सियासत ही से बचने के लिए हम खुद इस मैदान में आए हैं, और लोगों को लोगों को यही पैगाम दे रहा है कि इस गंदी सियासत को ही हमें साफ करना है इस्लामी सियासत के जरिए। इस्लाम हमें पैगाम देता है, वो पाकिजगी वाली सफाई सियासत का पैगाम देता है कि आप इस तरीके से सियासत कीजिए। हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, तमाम खुलफा की जिंदगी हमारे सामने है, दौरे खिलाफत की पूरी सीरत आप उठा के देख लीजिए, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं कि हम उन्होंने किस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, मोहब्बत के साथ में लोगों से पेश आए हैं और पैगाम मोहब्बत पेश किया है उन्होंने, हर वो काम किया है जो उनसे रिलेटेड था, जो हुकूमत के कामों से मुतालिक था, हुकूमत से मुतालिक था, हर वो चीज़ उन्होंने की है, उसमें किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। जिस तरह से आप देखते हैं कि सियासी मैदान में लोग उतरते हैं और गंदी सियासत जैसे कहा जाता है ना कि भाई ये ओबीसी है इसलिए इधर काम नहीं होगा, या इन्होंने वोट नहीं दिया, जिस पट्टी वालों ने वोट नहीं दिया तो इसलिए वहाँ काम नहीं होगा,
या इन्होंने ये काम किया, इस तरह की जो एक गंदी सियासत मैं समझता हूँ। हमारा जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम है, ये पैगाम देता है कि आप पाकीज़ा सियासत कीजिए, इस्लामी सियासत कीजिए, आप हर एक के साथ में मोहब्बत के साथ में पेश आइए, और यही अखलाक हमारे प्यारे आपा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। इंशाल्लाह उसी उन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे मुफ्ती अताउर रहमान साहब जो अपनी बात और अपने अजायब आपके सामने रख रहे थे, और इनका कहना है कि हम उलमा किराम का सियासत में उतरने का खास मकसद यही है कि हम जो लोगों के अंदर जो बन इसके बारे में सियासत के बारे में एक ज़हनियत ख़राब हो गई है कि ये सियासत गंदी चीज़ होती है, इन्हें हमें साफ करके पेश करना है और ये बताना है मज़हब इस्लाम के मुताबिक बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सब के लिए काम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इस मैदान में आए हैं।